मोहल्ला गोटिया की बदहाल सड़कों को लेकर वहां के निवासियों ने पहली नज़र सामाजिक संस्था से संपर्क किया और संस्था को उस बदहाल मोहल्ले की स्थिति से अवगत कराया। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट नीता गंगवार ने वहां के निवासियों के साथ वहां की बदहाल सड़कों को लेकर नगर के माननीय महापौर जी को ज्ञापन सौंपा। संस्था अध्यक्ष ने महापौर उमेश गौतम को बताया कि वहां की स्थिति बेहद बदहाल है और वहां रहने वाले लोगों का आना जाना बिल्कुल दूभर हो चुका है। वहां पर सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। महापौर जी ने कहा है कि वहां के सभासद क्या कर रहे हैं, यहां तो वह दिखाते हैं कि सारा काम हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि संस्कार दक्ष को 30 करोड़ का बजट उन्हें आवंटित किया गया था और सबसे ज्यादा बजट एजाज गोटिया के लिए ही दिया गया था। इसके पश्चात भी वहाँ की इतनी बदहाल स्थिति क्यों है, यह सवाल आप वहाँ के पार्षद जी से करें। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि हम आपके पास शिकायत लेकर आए हैं, जो भी वहाँ वर्तमान स्थिति है उसको देखकर ही आपको अवगत कराया जा रहा है। यह सवाल आपके बजट आवंटित किया गया है, यह सवाल आप भी उनसे करें कि आखिर यह शिकायत क्यों आई है। यह सड़कें क्या कागज पर बनी है या फाइलों में बनी है, यह सड़कें कहाँ पर बनी है और कहाँ पर विकास किया गया है। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि आपने उन्हें 30 करोड़ का बजट प्रदान किया है, लेकिन यह बात वहाँ के पार्षद से बात करने पर उन्होंने यह बात नहीं बताई थी। आप अपने स्तर से उनसे जवाब मांगे और संस्था भी अपने स्तर से उनसे जवाब मांगेगी, आखिर वह 30 करोड़ का बजट कहाँ गया। संस्था अध्यक्ष का कहना है कि महापौर उमेश गौतम द्वारा जो भी बजट आवंटित किया जाता है उसकी जिम्मेदारी के साथ सही जगह पर खर्च होने की जिम्मेदारी भी महापौर जी की है। क्षेत्र में जाकर देखना चाहिए कि उस बजट का कहाँ पर और किस तरह से प्रयोग किया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि वह वहाँ के पार्षद जी से इस बजट को खर्च करने की सारी जानकारी हासिल कर जनता को प्रदान करेगी। जी मैम बताइए, आज किस लिए आना हुआ है यहाँ? यहाँ पर हमने मेयर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है एजाज नगर गौटिया मोहल्ले में सड़कों की बेहद ख़राब स्थिति, बल्कि ये कहना चाहिए वहाँ सड़क ही नहीं है, अभी तक सड़क बनी ही नहीं है और वहाँ पर 24 घंटे पानी भरा रहता है। ये मई जून के महीने में भी वहाँ पानी भरा रहता है, ना नालियों की व्यवस्था है ना कुछ है। और उसमें एक घटना भी घट चुकी है, जब बरसात के समय में काफ़ी पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो एक बच्ची डूब के मर चुकी है। उस संबंध में मेयर साहब को अवगत कराया कि वहाँ पर क्यों नहीं अभी तक सड़कों का निर्माण हुआ, और वहाँ के पार्षद जी से भी बात की है तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी फाइल लगी हुई। और यहाँ पर मेयर साहब ने बताया है कि 30 करोड़ रुपया उनको आवंटित किया गया था, उन्होंने कहाँ पर खर्च किया है, उन्होंने ये दिखाया है कि सब कुछ वहाँ बन चुका है तो वो कहाँ पर उन्होंने बनाया है, और ये पूछने के लिए भी उन्होंने मुझसे कहा है कि आप पूछ सकती हैं संस्था की तरफ से। तो आगे जो है पार्षद जी से पूछेंगे हम कि 30 करोड़ का बजट उन्होंने कहाँ पर खर्च किया है और ये सड़कें इस बदहाल स्थिति में क्यों हैं और ये नरकीय जीवन जीने पर वहाँ के निवासी क्यों मजबूर हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, बताना भी और बनाना भी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।